गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम कृति वडेरा और मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ, और आप हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 10 पर। क्लास 10th के लिए साइंस का एक सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम ये सेकंड सेशन रहेगा। पहले भी हम बात कर चुके हैं फूड इम्प्रूवमेंट के बारे में, और आज एक बहुत खास एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर सुशील कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीजीडी बायोलॉजी हैं, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ में आप कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सुशील जी आज के इस कार्यक्रम के लिए। यस मैम, गुड आफ्टरनून। और आज की इस बातचीत को हम आगे लेकर जाएंगे, इस चैप्टर के बारे में और जानेंगे आज अपने एक्सपर्ट से। पर अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर भेजें, हमसे जरूर साझा करें। हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके हमें बताएं, नंबर रहेगा 8800440559। आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भी अपने सभी सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके भेजे गए हर सवाल लें, आज के इस डिस्कशन में उसको शामिल करें। और YouTube चैनल पर आप NCERT के जा सकते हैं, NCERT ऑफिशियल, और वहाँ भी लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सभी सजेशंस और कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। तो ये वो सभी माध्यम है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंड वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेजिडेंसी एंड इज कन्वीनिंग द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नेशन इन 2023, अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरलिज्म। इंडियाज G20 प्रेजिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मोमेंट इन इट्स हिस्ट्री, एज इट्स गोइंग टू मार्क and very important and vital role in playing the pragmatic global solutions in finding the well-being for all. And in the other words, we are manifesting the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world is one family. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। फिर से स्वागत करेंगे अपने आज के एक्सपर्ट का। सुशील जी, फिर से स्वागत है आपका। क्योंकि ये दूसरा सत्र है तो मैं चाहूँगी एक क्विक रिव्यू हम अपने सभी व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के लिए पहले दे दें कि हमने पिछले सत्र में क्या पढ़ा था, फिर आज के सत्र को शुरू करेंगे। यस मैम, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, पिछले टाइम पर हम लोगों ने बात की थी कि जैसे जैसे दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फूड रिसोर्सेज के लिए हम और आप लोग अधिक से अधिक उत्पादन के बारे में सोच रहे हैं, और यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिक या हमारे एग्रीकल्चर पॉलिसी से जुड़े हुए लोग लगातार ऐसी तकनीकों के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा अनाज या दालें या फिर हम ऑयल सीड कह सकते या सब्जियां कह सकते या मसाले या फल या फिर चारा देने वाली फसलों का प्रोडक्शन कर सके, यील्ड बढ़ा सके, उपज बढ़ा सके। और यही कारण है कि ये सारी क्रॉप्स हमें और आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट जो भी है, हमारे जो हमें पोषक पदार्थ हमें अपने भोजन में मिलने चाहिए, देने में सहायक हो पाएंगे तभी जब हम इनका कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। और पिछली बार हम लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड को अगर हम देखें तो तीन मेन एक्टिविटीज के अंतर्गत डिस्कस किया था। पहली वाली एक्टिविटी थी दैट इज द क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, दूसरे प्रकार की एक्टिविटी दैट इज द क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, एंड थर्ड वन इज द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। So we have discussed about the crop variety improvement in the last session, and in this approach we have discussed that how with the help of the hybridization process, either it may be intervarietal or interspecific or intergeneric. So in this process, genetically different plants are crossbred. By the way of this, we will be able to develop a improved variety. So this process is known as hybridization, and we have discussed in the last session. In the last session, we have also discussed about the there is one new sort of the science that known as biotechnology. So it is a branch of biology in which there is the genetic manipulation of the plants being done. So in this, the gene that can provide the desirable characteristic to the crop are introduced in this process, that is by the process of biotechnological way. So as a result, we obtain the GM crop or genetically modified crop. So now today we will discuss about the why do we need to perform a crop variety improvement. So we usually do the crop variety improvement to increase the yield of crop. Students, you will be well aware that nowadays there is quite less rainfall takes place. So there is the need of the development of the crops that are drought resistant. Means sukha mein bhi grow hone wali ya sukha prabodhi faslein.
are there are so many species are found in the around in and around of the plant. They may be the biotic as well as abiotic. So scientists are developing such a crops which are biotic as well as abiotic resistance. Means they are introducing the genes which give him the capability of the fighting against the biotic as well as abiotic stress. As well as nowadays, scientists are doing some experiment or they are introducing some genes which will be helpful to the shortening the maturity period of the crop. Suppose a crop being matured in 4 months and by the help of the genetic modification, now we will be able to get it in 2 months. So this will be a quite good method. As well as nowadays, there are so many required agronomic characteristics of the crops we are also considered by the help of the genetically modification. Scientists will be able to develop the crops which are having the agronomic characteristics in them. So we have discussed in the last session. So now we are going to discuss in this session the other aspect of the that is the crop production improvement. So as the crop production improvement is concerned, so this include one is the nutrient management, another one is the irrigation, and third one is the cropping pattern. So by the help of these three activities, we will be able to develop the such crops which will be able to fulfill our requirements. So this is known as crop production improvement. So first of all, I would like to tell you nutrient management. So students, you are well aware that either we pupil as well as the plant or any living organism require nutrients for their proper growth. So as the nutrient management is concerned, nutrient management means controlling the selection time and amount of the nutrients supplied to the crops. In this way, plant will be able to grow in a better way by taking the nutrients. So as in a broad sense, there are 16 nutrients are required by the plants, and these nutrients can be classified into categories. One category consists of macronutrient and another one consists of micronutrient. So as the macronutrient is concerned, as the name is suggesting, macro means something in greater amount or large amount. So the plants required some nutrients in large quantity, in large amount. So example of the deep nutrient are the carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and sulfur. On the other hand, the plants require some nutrients in small quantity. So these comes under the micronutrient like the iron, like the manganese, like the boron, zinc, copper, molybdenum, and chlorine. My students, now a question being arrived in your mind that how plants get these nutrients. So I would like to tell you, plants get these nutrients either from the air, either from the water, or either from the soil. So from air, plants get carbon and oxygen, and from water, plant will be able to get hydrogen and oxygen, and from soil, the macro as well as micronutrients will be obtained by the plants. So as the agriculture is concerned, so many farmers as well as we people use so many things to increase the fertility of the soil. In this way, the purpose of increasing the soil fertility because the plant get the nutrient from the soil. So one of the methods by which we will be able to increase the fertility of the soil by adding manure. So now a question being arrived in your mind, what is manure? So manure is nothing but it is prepared by the decomposition of plant and animal waste. It contains organic matter and nutrients. So there are two mainly types of the manure. One is known as compost. So it is prepared by the decomposition of plant and animal waste in a compost pit. Aapne kabhi gaon mein bachcho dekha ho ya rural area mein kabhi gaye ho.
आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें एनिमल का वेस्ट जिसे हम काऊ डंग कहते गोबर कहते उसको उसमें रखा जाता है, डाल दिया जाता है, और उसके साथ साथ जो भी घास फूस या भूसा एनिमल्स का बचता है वो सब उसमें डाल दिया जाता है, उसमें पानी मिलता रहता है। और ये 6 महीने से 1-2 साल में बढ़िया एक अच्छी खाद के रूप में तब्दील हो जाता। तो ये एक प्रकार का बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन हुआ, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हुआ, विच विल बी एबल टू प्रोड्यूस द कंपोस्ट। सो यूजुअली द कंपोस्टिंग डन बाय यूजिंग द रेड वॉर्म और अर्थ वॉर्म। सो माय स्टूडेंट्स विल बी वेल अवेयर अबाउट द अर्थ वॉर्म। सो अर्थ वॉर्म्स आर द मेंबर ऑफ द एनिलिड्स, फाइलम एनिलिडा, दीज आर द इनवर्टिब्रेट्स, दीज आर द थ्रेड लाइक बॉडीज, सो सो मेनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन देम, and the body consists of the around 120 segments. So these are the very useful organism which will be able to converting the animal waste or animal excreta into the manure or composting. So this is known as vermicomposting. आप भी अपने घरों में बच्चों कई बार आपको स्कूल में भी गतिविधियां दी जाती हैं कि आप घर के जो भी सब्जियां या फलों के छिलके निकलते हैं उनको आप एक गड्ढे में डाल के और कुछ समय के लिए रख दीजिए, उसमें लगातार पानी देती रहिए, तो आप 6 महीने से लेके 1 साल के बाद एक बहुत अच्छी मैन्योर भुरभुरी खाद के रूप में आपको मिल जाएगी। उसको आप अपने गमलों में लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, और इससे आपके गमलों में या क्यारी जो आपने बनाई है। जी सुशील जी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी बीच में कि वेकेशन का समय है, घर बैठे ही बच्चे आज हमारा ये सत्र देख रहे हैं, तो क्या ये चीज जो आप आज बता रहे हैं मैन्योर कैसे बनना है या घर में कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो क्या सभी विद्यार्थी जो हमें देख रहे हैं वो इस बताए हुए आपके माध्यम से घर में मैन्योर बना सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। एक छोटा सा आप गड्ढा खोदिए, उसमें आपके घर में अगर संतरे के छिलके या वेजिटेबल पील या फ्रूट पील, इस समय मैंगो मार्केट में आ रहा है आप देख रहे होंगे, या आपने देखा होगा तरबूज या खरबूजा, ये सारे फल या लीची, इनके छिलकों को और सब्जी के छिलकों को आप एक गड्ढे में डाल दीजिए, उसमें लगातार पानी डालते रहिए, तो धीरे धीरे बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होगा और 3 से 6 महीने में आपको बढ़िया एक अच्छी खाद के रूप में मिल जाएगी, और ये एक प्रकार की आपकी अचीवमेंट होगी। इसे कंपोस्ट कहेंगे, और ये जितने भी मटेरियल्स हम आप लोग सब्जियां, सब्जियों के छिलके और फल हैं, ये सब बायो कंपोस्टेबल मटेरियल कहलाते हैं। तो हम ये काम कर सकते हैं बच्चों, और इस समय तो प्रधानमंत्री जी का लाइफ मिशन आप लोगों तक पहुंच गया होगा। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि बच्चे ऐसी लाइफ स्टाइल जिए जिसे हम कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, दैट इज द लाइफ मिशन। सो इसके अंतर्गत बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी आप तक आ रही है, इट इज वन ऑफ द एक्टिविटी जिसमें आप कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, दूसरी सीड बॉल भी बना सकते हैं। आज हम और आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है बायोडायवर्सिटी को बचाने की, तो हम और आप लोग जो भी घर में जो भी छोटे छोटे आप देखा होगा बीज मिलते हैं, जैसे बेल का बीज मिला, संतरे का बीज मिला, या फिर आपके आसपास की जो भी आप लीची का बीज मिला, तो इन बीज को लेके और कम से कम 2 कप मिट्टी लीजिए और एक बड़ी सी बॉल के अंदर 8-10 बीज आप अच्छे से उसको गूंथ के और एक बॉल बना लीजिए मिट्टी की, और जब बाहर आप दादी या नानी के पास या अपने गाँव इस समय जा रहे होंगे तो रोड के किनारे इन बॉल को फेंकते जाइए। इस ढंग से आप बहुत पुनीत का अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आप सीड डिस्पर्सल कर रहे हैं। अभी इसके 15-20 दिन बाद बहुत अच्छी बारिश होगी झमाझम, और फिर उन सीड को पानी और मिट्टी मिलेगी और नए नए पौधे और ट्री बनने में सहायक होंगे और बायोडायवर्सिटी बढ़ने में मदद मिलेगी। तो ये एक प्रकार का लाइफ मिशन के अंतर्गत आप कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के रूप में हमें और आपको स्कूली बच्चों तक भेजने के लिए जिम्मेवारी दी गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ऐसे ही एक और ढंग है जो किसान अपने खेतों में करते हैं, दैट इज द ग्रीन मैन्योर। सो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब बीज को बोने के पहले कुछ ग्रीन प्लांट होते हैं, जैसे सन हेम्प हुआ, ग्वार हुआ, इनको खेत में उगाया जाता, और इसके बाद और जैसे ही ये प्लांट उग जाते हैं तो किसान उसको प्लाउविंग कर देता है, जोत देता है खेत को। इसके आधार पर जो हरे भरे प्लांट है वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और धीरे धीरे मैन्योर में तब्दील हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारी मिट्टी की एक प्रकार से जो फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, और जो भी प्लांट हम लगाएंगे फिर उनको न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल सकते हैं। बच्चों आपने देखा होगा ये बहुत पॉपुलर ढंग है जो आजकल हमारे किसान को अपना रहे हैं,
but now it is not said to be good. This is the use of the fertilizer. सवाल उठा होगा फर्टिलाइजर क्या होती है बच्चों, फर्टिलाइजर वो होते हैं जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, कोई इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। आपने कुछ फर्टिलाइजर के नाम सुने होंगे, जैसे यूरिया एक फेमस फर्टिलाइजर है, ऐसे ही पोटास एक फेमस फर्टिलाइजर है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी को मिट्टी में पूरा करने के लिए इन्हें हम सिंथेटिक ढंग से प्रयोगशाला में बनाते हैं और ये कहलाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। आपको देखा होगा आजकल सरकार ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर नीम की कोटिंग भी कर दे रही है, नीम कोटेड यूरिया। आपने देखा होगा जगह जगह आजकल सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नीम कोटेड यूरिया का उपयोग किया जाए। आप जानते होंगे नीम आपके आसपास लगा हुआ एक पेड़ होता है और इसे स्मॉल विलेज फार्मेसी कहते हैं। बच्चों आप जानते भी होंगे कि नीम का प्रत्येक भाग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरे आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। आपने कभी उसकी पत्तियों को देखा होगा, उन पत्तियों को पानी में अगर उबाल के उससे नहाते हैं तो हमारी बहुत सारी स्किन डिजीज से हमें राहत मिलती है, विशेषकर खास खुजली से। इसके अलावा उसकी छाल को अगर वो थोड़े फुंसियों पर लगाया जाए तो वो भी सही हो जाती। और आजकल तो यूरिया के इधर ऊपर नीम के जो निबोली रहते हैं और लीप का जो एक्सट्रैक्ट है उसको लगा के, नीम की पत्ती के एक्सट्रैक्ट को यूरिया के ऊपर लगा के इसके आधार पर नीम कोटेड यूरिया तैयार किया गया है, जो किसानों की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हद तक मददगार है। ये एक ऐसे ढंग है जो कि हम और आप लोग उपयोग करते हैं, लेकिन इस पर तमाम बहस होती है बार बार और दो मत है। एक तरफ फर्टिलाइजर को प्रमोट करने वाली कंपनी है, दूसरी तरफ मैन्योर या ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाली। तो बच्चों आपसे ही अगर हम पूछा जाए तो फर्टिलाइजर या मैन्योर में कौन बेहतर होगा, किसके लिए हमारी सॉइल मिट्टी थैंक यू बोलेगी, तो सीधी सी बात है मैन्योर के लिए थैंक यू बोलेगी या वर्मी कंपोस्ट के लिए, क्योंकि ये बायोलॉजिकल होती है, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनती है, या तो केंचुए के द्वारा बनती है या बायोलॉजिकल प्रोसेस से या डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से। और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, इसके अलावा ह्यूमस के रूप में एक बहुत ही फर्टाइल एक लेयर मिली रहती है, और ये प्लांट के द्वारा मैन्योर है, बड़े इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है और ये सस्ती भी होती है, चीप होती है, अफोर्डेबल। दूसरी तरफ अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें बच्चों, तो ये मैन मेड होती है, ये लेबोरेटरी में बनाई जाती है और इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। इसके अलावा ये थोड़ी सी महंगी भी होती है और इसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, हैंडल करना, ये भी एक प्रकार से परेशानी है, क्योंकि कहीं से खरीदने के बाद फिर अपने घर तक ले जाना पड़ता है। लेकिन मैन्योर को आप अपने घर पे बना सकते हैं, सस्ती होती है और हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को ये बर्बाद नहीं करती। आजकल देखा होगा आपकी चारों तरफ मिट्टी बचाओ अभियान चल रहा है, मिट्टी को बचाने की क्या जरूरत पड़ रही है? आप जानते होंगे कि इस मिट्टी से ही मुझे और आपको मेरी सब्जियां, फल या जो भी अनाज या दालें सब कुछ प्राप्त होती है। तो मिट्टियों का, मिट्टी अगर हमारी अच्छी होगी, हेल्दी रहेगी, उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे से रहेंगे, प्रॉपर वे में माइक्रोब रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे जो कि मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाएंगे, तो मेरी थाली तक आपकी थाली तक भोजन आ पाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से परेशानी हो जाएगी। अगर हम लोग ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे देश के कई राज्य हैं जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत फर्टिलाइजर का जबरदस्त उपयोग किया गया, आज वो जमीन बंजर हो गई। बंजर जमीन का मतलब समझ रहे होंगे बच्चों कि ऐसी जमीन जहां पर हम अब फसल को नहीं वहां उगा सकते। इसलिए आज के डेट में इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि आप बायोलॉजिकल चीजों का उपयोग करें, मैन्योर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। दूसरी तरफ दूसरा मेथड जिसके आधार पर हम अच्छे से अपनी क्रॉप का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई के अलग अलग साधन। आपने कभी गए होंगे गांव तरफ या आप शहर से जैसे ही बाहर निकलते होंगे तो आप कुएं देखते होंगे, बड़ी बड़ी कैनाल देखते होंगे, कई बार रिवर से पानी को लिफ्ट करके डाला जाता है और टैंक, इसके अलावा चेक डैम भी देखे होंगे। ये सब वो मेथड है जिनके द्वारा हम अपने किसानों को कहीं ना कहीं से पानी उपलब्ध कराते, जिसकी वजह से पानी से सिंचाई करती। और आज के दौर में आपने सुना होगा एक नया मेथड है जिसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं या टपक सिंचाई कहते हैं या माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। इसकी तरफ ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सरकार क्यों दे रही? क्योंकि जब ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन करते हैं उससे कम पानी की जरूरत होती है और जितनी जरूरत प्लांट को है उनकी जड़ों तक, वहां उतना ही पानी भेजा जाता है। ये एक इसका बहुत बड़ा फायदा है, इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है और ये अलग अलग ढंग है जिनके द्वारा हम किसानों को कहीं ना कहीं से देखते हैं कि वो अपने खेतों में पानी को ले जाते हैं और फिर उससे सिंचाई करते हैं।
इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार किसान अच्छी उपज लाने के लिए क्रॉप रोटेशन करती है। क्रॉप रोटेशन भी आपने देखा होगा कि हमारा किसान क्या करता है, जैसे अगर इस साल उन्होंने गेहूं या चावल अपने खेत में उगाया, ये कहलाती है सीरियल, अनाज कहलाती है, तो आप देखते होंगे कि अगली साल वो दाल वाली फसलें जैसे मटर हुआ या अरहर हुआ या फिर आपने देखा होगा मसूर, ऐसी क्रॉप को उगाता है जो दलहनी क्रॉप कहलाती है, पल्स वाली क्रॉप। तो आप जानते होंगे बच्चों की जो पल्स क्रॉप होती है उनकी रूट्स में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमोस्फियर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट के रूप में, और हमारे प्लांट नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन को ले पाते हैं, तो बड़े आराम से नाइट्रेट के रूप में ले लेती है, और नाइट्रोजन से प्लांट की पूरी बॉडी बनती है और बहुत सारे जो भी फल फूल और उसका विकास हो पाता है, मतलब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पर न्यूट्रिएंट प्रॉपरली जाए प्लांट में, हमारे किसान क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं, और इसमें एक साल में अगर अनाज वाली फसलें उगाते हैं तो दूसरी साल दाल वाली फसलें उगाते हैं, इस प्रकार से न्यूट्रिएंट प्रॉपर एक प्रकार से साइकिल होते रहते हैं। सुशील जी, मैं चाहूंगी, यहाँ हम बिल्कुल अंतिम भाग में, अंतिम चरण में हैं अपने आज के इस सत्र की, मैं चाहूंगी आप आज पढ़ाया हुआ सभी एक कंक्लूसिव मोड में आज आप बात करें बच्चों के साथ, फिर बाकी जो रहेगा कंटिन्यूशन में हम यकीनन आपके साथ अगले सत्र में उसको पूरा करेंगे। यस कीर्ति जी, धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम लोगों ने बात की कि जो अलग अलग मेथड है, जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड की बात की जिसमें हमने कहा कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके क्रॉप को हम ऐसे जीन डाल दें जो हमारे डिजायर्ड जो भी हमारी सोच है उसको पूरा कर दें। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट में कोई भी कैटरपिलर या कीड़ा लगता है, तो आपने देखा होगा ऐसा जीन साइंटिस्ट आजकल डाल दे रहे हैं जिसे हम बीटी जीन कहते हैं, बैचलर थ्री जीन से, वो एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता, तो उसमें फिर वो कीड़ा भी लग पाता है। तो ये ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वैज्ञानिक बना रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन। इसके अलावा हम क्रॉप की फर्टिलिटी, जो भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट या मैन्योर का उपयोग कर सकते हैं, और हमें कोशिश करना चाहिए कि फर्टिलाइजर का कम से कम उपयोग करें। इसके अलावा हमें कुछ आपको एक्टिविटी बताएं, जैसे आप अपने घर एब्सोल्युटली कंपोस्ट बना सकते हैं, साथ में सीड बॉल बना सकते हैं, और एनवायरनमेंट का काफी कुछ भला कर सकते हैं। बिल्कुल, एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे आज आपको बताया और समझाया गया कि घर बैठे वेकेशन में कैसे मैन्योर बनाना है, तो ये सभी जानकारियां जो आपसे साझा की गई हैं, मुझे यकीन है आप घर बैठे इसको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमसे ज़रूर साझा करेंगे हमारे ईमेल एड्रेस पर, और वो हम अपने एक्सपर्ट सुशील जी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सुशील जी, आज के सेशन में इतनी सब ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए और एक्टिविटीज़ भी असाइनमेंट के तौर पर देने के लिए हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। और आप दर्शकों कहीं ना जाएं, वेबिनार में आईसीटी टूल्स पे डिस्कशन रहेगा अगले सेशन में, तो बने रहें सीआईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन प्रोग्राम के साथ। अभी के लिए आपसे विदा चाहूंगी, नमस्कार।